आरजू मैम, मेरा मिसकैरेज को 5 मंथ्स हो गया है। बेबी की हार्ट बीट नहीं थी, उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मैंने बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए आरजू जी, अगर आपका मिसकैरेज 5 मंथ्स का हो गया है तो आपकी रिपोर्ट्स मुझे देखने होंगे। इस तरह से मैं आपको नहीं बता सकती। यूट्यूब पे और आपने एक कमेंट पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर मैं कैसे डायग्नोस करूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए जनरली अगर मिसकैरेज होता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। ऐसा कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता कि मिसकैरेज की वजह से मिसकैरेज हुआ है तो वो लेडी कभी भी प्रेगनेंट नहीं होती। यस, मिसकैरेज क्यों हुआ है ये जानना ज़रूरी है। क्या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है जिसमें हम लोग टॉर्च कॉम्प्लेक्स करके एक होता है, ये एक टेस्ट हम लोग करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखते तो वो पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे क्यों मिसकैरेज हुआ। और उसके रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, आप प्रेग्नेंट कैसे होंगे और आपके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। ओके, विदाउट द रिपोर्ट्स आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी।